हेलो स्टूडेंट्स, पाठ 8 पादपः हितकारिणः, पौधे हित करने वाले। पिछले वीडियो में हमने पेड़ पौधों के बहुत सारे उपयोग पढ़े और पीपल के पेड़ के विषय में जाना। अब हम पढ़ेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी नाम पादपस्य महिमा सर्वत्र वर्तते। तुलसी नाम के पौधे की महिमा सभी जगह है। तुलसी नाम पादपस्य, तुलसी नाम के पौधे की महिमा गुणगान सर्वत्र सभी जगह वर्तते है। अस्माकं देशे, हमारे देश में, प्रतिगृहं हर घर में तुलसी पादपः आरोप्यते, तुलसी का पौधा लगाया जाता है। हमारे देश में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। अस्मिन् ज्वर नाशिका रक्तशोधिका च क्षमता उपलभ्यते। इस तुलसी के पौधे में ज्वर नाशिका बुखार को नष्ट करने की और रक्त शोधिका रक्त को शुद्ध करने की क्षमता उपलब्धते पाई जाती है। तुलसी के पौधे से बुखार में को नष्ट करने की और रक्त को शुद्ध करने की क्षमता पाई जाती है। वैज्ञानिका वदंती, वैज्ञानिक बताते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, एषः यः तु पर्यावरणस्य मालिन्यम् अपि निवारयति। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तो पर्यावरण की जो गंदगी है, पर्यावरण का जो प्रदूषण है, उसको भी दूर करता है। वैज्ञानिक वदन्ति, वैज्ञानिक बताते हैं, एषः यः तु पर्यावरणस्य पर्यावरण की मालिन्यम अपि गंदगी को भी प्रदूषण को भी निवारयति हटाता है या दूर करता है। वर्तमाने ताजमहल भवनस्य सौंदर्यस्य संरक्षणाय तं परितः सहस्रशः तुलसीपादपः आरोप्यन्ते। वर्तमान में ताजमहल भवन के सौंदर्यस्य उसकी सुंदरता के लिए और संरक्षणाय उसके संरक्षण के लिए, उसके रखरखाव के लिए तम परितः उसके चारों ओर हजारों सहस्रशः हजारों तुलसी पादपः तुलसी के पौधे आरोप्यन्ते लगाए जा रहे हैं। ये जिससे हानिकारक अनिदानाम हानिकारक वायु का प्रभाव न्यूनी भवेत कम हो। एतत् तु प्रमाण सिद्धम अस्ति, यह बात तो प्रमाणित है, प्रमाण सिद्ध हो चुकी है। तुलसी नाम के पौधे की महिमा सभी जगह है। हमारे देश में हर घर में तुलसी नाम का पौधा लगाया जाता है। इस पौधे में बुखार को नष्ट करने की और रक्त को शुद्ध करने की क्षमता पाई जाती है। वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि यह इस पौधे से तो पर्यावरण की जो गंदगी है, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है, वह भी दूर होता है। वर्तमान में ताजमहल भवन की सुंदरता और संरक्षण के लिए, उसके रखरखाव के लिए ताजमहल भवन के चारों ओर हजारों तुलसी के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे हानिकारक जो वायु है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यह बात प्रमाणित है, प्रमाण सिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे केले के पेड़ के विषय में। यह वृक्ष द्वादश मास पर्यंतम फलानि प्रदाय उपकरोति सो अस्ति कदली वृक्ष। यह वृक्ष जो पेड़ द्वादश मास पर्यंतम 12 महीने तक फलानि प्रदाय फल देकर उपकरोति उपकार करता है सो अस्ति वह है कदली वृक्ष केले का पेड़। जो पेड़ 12 महीने तक पूरे 12 महीने फल देकर उपकार करता है वह केले का पेड़ है। अस्य फलानि इसके फल पकवानि अपकवानि व इसके फल पके हुए अथवा बिना पके हुए जनाः खादन्ति लोग खाते हैं। केले का फल पका हुआ और बिना पका हुआ दोनों तरीके से ही लोग प्रयोग में लेते हैं। एतानि ग्लूकोस युक्तानि झटिति शक्ति पुष्टि दायकानि च सन्ति। यह फल ग्लूकोस से युक्त तुरंत झटिति करता तुरंत तुरंत शक्ति और पौष्टिकता देने वाला है। यह ग्लूकोस से युक्त और तुरंत शक्ति और पौष्टिकता देने वाला होता है। अस्य अपक्वई फलई इसके बिना पके हुए फलों से विविधा अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भोजन के पदार्थ भी क्रियन्ते यानी बनाए जाते हैं। अस्य इसके बिना पके हुए फलों से अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भी अपि यानी भी क्रियन्ते यानी किए जाते हैं बनाए जाते हैं। जो पेड़ 12 महीने तक फल देकर उपकार करता है वह है केले का पेड़। इसके फल पके हुए अथवा बिना पके हुए लोग दोनों तरीके से खाते हैं। केले का फल ग्लूकोज से युक्त होता है, तुरंत शक्ति और पौष्टिकता देने वाला होता है। इसके बिना हुए पके फलों के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। बिल्व वृक्ष बिल का पेड़।
बिल्व वृक्ष, बिल्व का पेड़ तो चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में भी अत्यधिक उपयोगी अस्ति उपयोगी है। बिल्व वृक्ष बिल का पेड़ तो यानी तो चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में भी अति उपयोगी अस्ति अत्यधिक उपयोगी है। अश्य बीज इसका बीज, पत्र पत्ते फलाने फल, उदर रोग यानी पेट दर्द में और मधुमेह रोग, मधुमेह के रोग को दूरी कर तुम दूर करने में शक्नुवंती समर्थ होते हैं। जो बील का फल होता है, बील का पेड़ होता है, वह चिकित्सा शास्त्र में अत्यधिक उपयोगी है। इसका बीज पत्ते फल आदि पेट दर्द को और डायबिटीज की जो बीमारी होती है, मधुमेह जो रोग होता है, उसको दूर करने में भी समर्थ होता है। बिल्व वृक्ष बील का पेड़ तो चिकित्सा शास्त्र में भी अत्यधिक उपयोगी है। इसका बीज पत्ते फल पेट दर्द में और मधुमेह रोग दोनों को दूर करने में समर्थ होते हैं। आमलक वृक्ष आमले का पेड़, आमलक वृक्ष तो अमृत वृक्ष एवं आमलक वृक्ष यानी आंवले का पेड़ तो अमृत वृक्ष एवं अमृत वृक्ष ही है। आंवले को पेड़, आंवले के पेड़ को अमृत वृक्ष ही कहा गया है। यह तो ही क्योंकि निश्चित रूप से अश्य फल सेवने इसके फल सेवन से आयु नेत्र ज्योतिष वर्धते। आंवले के फल के सेवन से आयु बढ़ती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। एतस्मात इसमें विटामिन सी प्रचुरतया प्राप्यते। आंवले के पेड़ में विटामिन सी प्रचुरतया प्रचुर मात्रा में प्राप्यते पाया जाता है। आंवले के फल से विटामिन सी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अश्य फलानि खादित्वा इसके फलों को खाकर वयम स्वस्था भवा में हम सब स्वस्थ होते हैं। आमलक वृक्ष आमले का पेड़ तो अमृत वृक्ष एव अमृत वृक्ष ही है। ही क्योंकि निश्चित रूप से अश्य फल सेवने इसके फल के सेवन से आयु और नेत्र ज्योति आंखों की रोशनी बढ़ते बढ़ती है। एतस्मात इसमें विटामिन सी प्रचुरतया प्राप्यते। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अश्य फलानि खादित्वा इसके फल खाकर वयम स्वस्था भवा में हम सब स्वस्थ होते हैं। उक्तम च पेड़ों के विषय में कहा गया है, वृक्षा मित्राणि चा अस्माकं दस पुत्र समोद्रुमः इत्थं विचार्य कर्तव्यं वृक्षाणां रक्षणं सदः। वृक्षा मित्राणि च अस्माकं पेड़ हमारे मित्र होते हैं। वृक्षः पेड़, अस्माकं हमारे, मित्राणि मित्र, पेड़ हमारे मित्र होते हैं। दस पुत्र समोद्रुमः दस पुत्रों के समान द्रुम यानी पेड़ को कहा गया है। एक पेड़ को दस पुत्र समूह दस पुत्रों के समान माना गया है। इत्थम विचार्य कर्तव्यम ऐसा विचार करके, ऐसा विचार जान करके, वृक्षाणाम रक्षणम सदा सदा हमेशा वृक्षाणाम रक्षणम पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ हमारे मित्र होते हैं, पेड़ दस पुत्रों के समान होते हैं। इस प्रकार से विचार करके, इस प्रकार से जान करके हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षा मित्राणि च अस्माकम पेड़ हमारे मित्र होते हैं। दस पुत्र समोद्रुमः पेड़ दस पुत्रों के समान होते हैं। इत्थं विचार्य कर्तव्यम ऐसा विचार करके, ऐसा जान करके, वृक्षाणाम रक्षणम सदा हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों का इस संसार में अत्यधिक महत्व है, इसलिए पेड़ों की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों के बहुत सारे लाभ हैं। पेड़ों से मनुष्य को जीवन प्राप्त होता है, पेड़ मनुष्य के मित्र हैं। पेड़ों इस तथ्य को जान करके हमेशा हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कटने नहीं देना चाहिए, हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू।